यानी यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन से अपने आप को एकदम अलग करते नजर आ रही है। यहाँ पे हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ मौजूद हैं, एके मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस हिसाब से आज एक सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में 37-37 सीटों पर बुआ बबुआ की जोड़ी बन सकती है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर? नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा। उसके पहले मैं एक बता दूं, भारतीय राजनीति में एक बहुत जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है, स्पेशली गठबंधन ओरिएंटेड जो राजनीति होती थी, देखिए इसको ऐसे समझिए, नेचर चेंज हो रहा है गठबंधन का। इसके पहले तक जितने भी गठबंधन हुए चुनाव में, वो ये होता था कि चुनाव के पहले सारी पार्टी मिलकर एक पार्टी बना लेती थी। अब की बार देखिए चेंज क्या है, नेचर में क्या चेंज है और डायनामिक्स में क्या चेंज है, ये समझने वाली बात है। अब स्टेट लेवल पे दो पार्टियों में गठबंधन हो गया, पूरे नेशनल लेवल पे पार्टियां नहीं आई हैं। अब ये दो चीजें हैं इसमें, देखिए या तो हो सकता है समाजवादी पार्टी और बसपा, इन दोनों ने केवल स्टेट लेवल पे अपना फायदा देखा, महागठबंधन की बात नहीं की कि भाई पहले अपनी जान बचाओ। दूसरा एक टर्म होता है पॉलिटिकल एम्बुश या लेब्रेंथ, ये विपक्ष की एक चाल हो सकती है। चाल ये हो सकती है कि अब की बार जो नेचर चेंज होगा गठबंधन का, वो ये होगा कि हर स्टेट में जो जो पार्टियां मजबूत हैं वो गठबंधन कर ले और चुनाव जीतने के बाद सारे लोग एक साथ मिलकर के अपना प्राइम मिनिस्टर चुन ले। सेकेंड ऑप्शन जो मैंने बताया कि हर स्टेट में जो जो पार्टियां मजबूत होंगी वो गठबंधन कर लेंगी, क्योंकि बाई हुक और बाई क्रुक सारी पार्टियों को जीत, मतलब सबका अंतिम लक्ष्य ये होता है, अल्टीमेट गोल, कि मुझे चुनाव जीतना है। तो इसलिए ये एक आमूलचूल परिवर्तन है, डायनामिक्स और नेचर ऑफ जो ये गठबंधन का नेचर होता है, प्रकृति, ये पॉइंट ध्यान देने बात है। दूसरी चीज जो आपने बोली, सपा और बसपा अगर गठबंधन करती है, अब मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमेशा मैं बोलता हूं कि अभी भी भारतीय लोकतंत्र में चुनाव में जो गठबंधन है, मतबंधन का अभीष्ट तरीका है, यानी वोट पाने का अभीष्ट तरीका गठबंधन है। इसमें बड़ा पावर होता है, मतलब बहुत शक्ति होती है इसमें। अगर ये होता है तो 101% बीजेपी को इसको मैनेज करने में या पुराना रिकॉर्ड मेंटेन रखने में, मतलब 80-82 सीट लेने में बहुत मुश्किल होगी। उसके पीछे रीजन है, केवल यही दो पार्टियां ऐसी हैं जिनका वोट बैंक अभी भी बहुत मजबूत है। इसमें एक खास बात और ध्यान देने योग्य है, अब इसमें जरूरत समाजवादी पार्टी की है कि अखिलेश यादव की है, मतलब अखिलेश यादव की पार्टी की है। देखिए अखिलेश यादव जी बार बार प्रोएक्टिव हो करके पूरे गठबंधन के लिए ये बार बार प्रयास कर रहे थे, मायावती जी उतनी एग्रेसिव नहीं है। अब इसके पीछे भी रीजन है, अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर जो ये दो तीन पार्ट में बट गई, उसके कारण समाजवादी पार्टी जो है बहुत कमजोर हो गई है, इनका वोट बैंक बट गया है। अब जरूरत अखिलेश यादव की है, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जैसे डूबते को तिनका का सहारा, कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया और इन्होंने, एक कहावत है ना कि जैसे छाछ का जला हुआ जो है दूध भी, सॉरी दूध का जला हुआ छाछ भी जो है फूक फूक के पीता है, तो अब ये कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे कहीं ना कहीं। देखिए कांग्रेस भी मान मनोबल नहीं कर रही है, कांग्रेस भी अप्रोच नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्ष भी इस चीज के लिए निश्चिंत है या उन्होंने मन बना लिया है कि भाई अब की बार हम गठबंधन इस तरीके से बनाएंगे। और अखिलेश यादव के लिए गठबंधन करना समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कमजोर है वनस्पति या इन कंपेरिजन ऑफ मायावती के, लेकिन इसमें दोनों का जबरदस्त फायदा होगा। सर आप राजनीति को काफी सालों से देखते आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे ये जो आज गठबंधन हुई है उससे कांग्रेस को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2007 में यही गठबंधन हुई थी कांग्रेस और सपा के साथ, लेकिन ऐसा क्या इस बार अलग रहा कि कांग्रेस को एकदम इन दोनों गठबंधन से अलग कर दिया गया? देखिए दो चीजें हैं, राजनीति में भले ही लोग कितने भी मित्र हों, सारी चीजें हों, लेकिन बात जब चुनाव लड़ने की आती है तो हर पार्टी का हर आदमी ये चाहता है मैं जीतूं, तो वो अपना पार्टनर या गठबंधन में अपने मित्र लोगों को चुनते हैं, तो वो ये बाकायदे इस चीज की नापतौल करके चुनते हैं कि किसके साथ मुझे फायदा होगा और नुकसान होगा। यूपी में कांग्रेस की परफॉर्मेंस लगातार कमजोर रही है, तो कोई भी पार्टी, आप ये देखिए, रिस्क नहीं लेगा चुनाव के टाइम पे। यही एक रीजन है कि अखिलेश यादव चाहते तो उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया था, लेकिन उन्होंने उनको अप्रोच नहीं किया। प्योर और प्योर अपना राजनीतिक फायदा, विजय कहाँ पे मिलेगी, वोट हमें कहाँ से मिलेंगे, और यही रीजन है। आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के टाइम पे दो ऐसे धड़े या दो ऐसे ग्रुप या पार्टियां एक हो जाती हैं जो दुर्विरोधी थे। आप ये देखिए नीतीश कुमार जी चुनाव उन्होंने जीता जो है इनके लालू यादव के साथ लड़के, और बाद में बीजेपी के साथ आ गए अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए। यही है राजनीति, और यही एक फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। विश्वसनीयता और आश्वासन उनको अखिलेश यादव जी को दिख रहा है, फायदा दिख रहा है कि मायावती जी के साथ गठबंधन करने पे, तो हर आदमी ऐसे नाव पे सवार होना चाहता है जो उनको, जो मतलब उनका टारगेट दिला दे, जो उनको पार लगा दे।
और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये चीज है कि कांग्रेस में फेथ नहीं है अखिलेश यादव या मायावती का, इसलिए वो लोग कांग्रेस को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। यानी साफ सीधे यहाँ पे दिखता नजर आ रहा है कि नैया पार लगाने के लिए है जो यहाँ पे सपा और बसपा एक साथ आई है। खैर सर, जैसे हिसाब से ये कह रहे हैं शिवपाल सिंह यादव इनके ही मतलब चुनाव चिन्ह पे जो है चुनाव लड़ेंगे पार्टी पे, और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, काफी जंग हुआ था उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजा के बीच में, अब जो वो बाबू हैं यानी अखिलेश यादव वो जाके बुआ से मिल लिए, तो क्या फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पे इस चाचा भतीजा और बुआ की? नहीं देखिए, यहाँ पे जो शिवपाल सिंह यादव हैं, जैसे कि अभी हमारे मित्र बोल रहे थे मुजफ्फर जी, मुझे नहीं लगता है कि वो अखिलेश यादव के साथ होंगे। उसके पीछे रीजन है, बुआ जी के साथ जो वैमनस्य था उस वक्त शिवपाल यादव जी भी एक प्रमुख नेता थे, यह तभी संभव है जब मुलायम सिंह यादव जी लीड रोल में आए, तो उनके लिए शिवपाल यादव तो सब चीज त्याग सकते हैं भाई। इतनी वैमनस, इतनी दूरी बढ़ गई है कि उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, हर जगह से जो है उन्होंने प्रचार कर दिया, कैंडिडेट उन्होंने ढूंढ लिए हैं, तो यह पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी सारी कवायद को छोड़ करके, वो भी अखिलेश के कारण ये झगड़ा हुआ था कि अखिलेश यादव के साथ आ जाए, यानी वो समर्पण कर दे। यह तभी संभव है जब मुलायम सिंह यादव को सारे समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के ले आए, वहां पे शिवपाल यादव आ सकते हैं और वो सारी की सारी चीजों को छोड़ करके, त्याग करके एक बार वो फिर से आ सकते हैं। लेकिन मुझे ये समीकरण संभव नहीं लगता है, इसके चांसेस बहुत कम है। तो मुझे ये लगता है कि शिवपाल यादव, देखिए मायावती जी के साथ चाहते तो शिवपाल यादव भी कर सकते थे अप्रोच, या मायावती कर सकती थी, लेकिन वो पुरानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण वो नहीं कर सकते हैं। दूरियां अभी मायावती और शिवपाल यादव में बनी हुई है, तो वो नहीं होगा। और शिवपाल यादव के कैंडिडेट अगर खड़े होंगे तो नुकसान इनको पहुंचेगा। यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बात है कि गठबंधन के लिए लोग आशान्वित तो बहुत हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति क्या होगी जरा आप ये सोचिए। देखिए टोटल जो है जितनी भी सीटें हैं 50-50% लोग लगभग ये बांटेंगे, शायद 37-37 सीटों पे बात हो रही है। अब 37-37 सीट अगर होगा तो दोनों पार्टियों से अगर देखा जाता तो जितनी सीटें हैं सपोज 84 या 85 सीटें हैं, तो अगर आप ये देखेंगे तो कितने सारे कैंडिडेट को दोनों उससे मिलता मौका, लेकिन अब आधे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो विपक्ष यानी कि बीजेपी ये एक कर सकती है कि अगर यही कैंडिडेट जिनको टिकट नहीं मिला, चाहे समाजवादी पार्टी या बसपा से, क्या वो लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई या नेतागिरी को ये त्याग करने के लिए तैयार होंगे? कहीं वो निर्दलीय खड़े हो गए, कहीं बीजेपी ने उनको तोड़ करके अपने फेवर में कर लिया, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा। और बीजेपी ऐसा करेगी अंदर अंदर, इस गठबंधन को फेल करने के लिए ये सबसे अभीष्ट तरीका होगा कि ये लोग निर्दलीय खड़े हो जाएं या किसी और भाई वोट बैंक तो उनका है ही, जिनको टिकट नहीं मिला आज के पहले तक वही तो समाजवादी पार्टी या बसपा के नेता थे उस एरिया में। सर ये गठबंधन बीजेपी के लिए एक तरह से प्रॉफिट का भी काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए अगर बीजेपी ने इस स्ट्रेटजी में काम कर दिया, मैं बोलता हूं आधे ऐसे नेता समाजवादी पार्टी के और बसपा के जिनको टिकट नहीं मिला, उसमें से कुछ लोग भी अगर बीजेपी के साथ चले गए, निर्दलीय खड़े हो गए या कन्विंसिंग कुछ ऐसा कर दिया, भाई लोकल इन्फ्लुएंस तो उन्हीं का है ना, अखिलेश यादव या उनका नहीं है। अगर उनके लोकल समर्थक वो अपने लोकल नेता के साथ मिल गए तो जितने वोट बैंक पे उनका इन्फ्लुएंस है, और अगर 5-10% का भी गेम जो है अगर वोट बैंक शिफ्ट हुआ तो वो बहुत बड़ी हार या जीत में तब्दील हो जाता है। तो ये एक चीज ऐसी होगी जो मुझे लगता है कि बीजेपी इस स्ट्रेटजी को अपनाएगी इनको फेल करने के लिए, इस गठबंधन को। अगर ये चीज हो गया तो ये गठबंधन फेल भी हो सकता है। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा, इस गठबंधन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो आधे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, क्या वो उस भावना से त्याग करके और इस तरीके से अपने पार्टी के लीडर के साथ जुड़ेंगे कि नहीं? क्योंकि देखिए यहां कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में, एक ही क्षण में जो उनके नेता है उनसे अलग हो जाते हैं। आप देखिए ना सपा बसपा से कितने नेता अलग हो गए, आप ये देखिए शिवपाल चाचा जो है ये अलग हो गए अपने भतीजे से, कभी किसी ने सोचा था? अपनी पार्टी बना ली, अब अलग हो गए तो 4-5% वोट तो काटेंगे ना, क्योंकि उनका भी तो यादव वोट बैंक या जो इनका वोट बैंक है ट्रेडिशनल, उस पर तो उनका इन्फ्लुएंस है ना। जब इन्फ्लुएंस है तो वो हारे या जीते उनके कुछ फिक्स वोटर हैं, वो उनको वोट देंगे, तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान गठबंधन को होगा, समाजवादी पार्टी और इसके जो है बसपा के गठबंधन को। सर अभी हाल ही में बहराइच की जो सांसद है सावित्रीबाई फुले, उन्होंने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया है, क्या लगता है कहीं ना कहीं आशंका है इस चीज की कि वो बसपा या सपा को ज्वाइन कर सकती हैं? देखिए ये इस चीज की जबरदस्त आशंका है। अब कोई कैंडिडेट अगर इस्तीफा क्यों देता है, स्पेशली अगर सावित्रीबाई फुले की हम बात करें, तो अपने पर्सनल गेन, प्रॉफिट एंड लॉस को पॉलिटिकल वो देखते हैं।
तो ऐसे में वो ऐसे जगह पे जाएंगे सबसे पहले तो जहां पे उनकी जीत सुनिश्चित हो, ताकि उनको मंत्री पद मिले, एमपी सीट उनकी फिक्स हो, उसके साथ उनको सरकारी सुविधाएं मिले। तो अगर उनको देखिए अभी भी क्या है कि बीजेपी, अगर वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं तो एक ही ऑप्शन है, अब तो गठबंधन बन गया सपा बसपा का, और अगर उनको बहराइच से ही लड़ना है तो यूपी में एक ही ऑप्शन है सपा बसपा। तो मे भी पॉसिबल क्या, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, अगर वो बीजेपी में वापस नहीं जाती हैं तो सपा बसपा को ही वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जीत के चांसेस सबसे ज्यादा वहीं पे है। निर्दलीय लड़ने का भी उतने ज्यादा जीत के चांसेस निर्दलीय लड़ने में नहीं होते हैं। तो सपा बसपा के सिवा, इस गठबंधन के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर इस गठबंधन ने उनको एक्सेप्ट किया, उनको अपने अंदर लिया, और वो भी ये कोशिश करेंगे कि मैं इस गठबंधन में शामिल हो जाऊं अगर बीजेपी में नहीं होना है, तो इस चीज के चांसेस बहुत कम है कि वो शिवपाल यादव या किसी और तीसरी पार्टी के साथ चले जाए। यहाँ पे कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल होगी। एके मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आए दिन लोगों का आरोप है कि कांग्रेस जमीनी राजनीति नहीं करती है, जिसकी वजह से कांग्रेस का जो है सुपड़ा साफ होता दिख रहा है उत्तर प्रदेश से और भी देश के कई राज्यों से। क्या आपको लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटों पर सिमट सकती है पिछले बार के दो की तुलना में? नहीं, अगर आप यूपी की बात करें ना, तो मुझे अभी भी अगर कांग्रेस ने कोई स्ट्रेटजिक स्टेप नहीं लिया, अब तो टाइम भी नहीं है, कांग्रेस भी अगर कुछ इम्प्रूव करना चाहती है तो उसके लिए ऑप्शन यही है कि इस गठबंधन में शामिल हो जाए, और जो 10-12 सीटें बची हुई हैं तो उस पर वो जो है अपना भाग्य आजमाए। देखिए मैं आपको बताऊं, यूपी वैसे भी लोकसभा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कांग्रेस की तो पूरी पृष्ठभूमि इलाहाबाद यूपी से जुड़ी हुई है, नेहरू जी से लेके जो फूलपुर से लड़ते थे, इनका इतिहास है। और जो पार्टी या जो आदमी अपने जड़ से उखड़ जाता है उसको कहीं शरण नहीं मिलती है। तो मैं बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस वापस यूपी में काम करे, स्कोप अभी भी इनके लिए बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा नेशनल लेवल पे अगर स्कोप है तो वो बीजेपी के बाद जो है कांग्रेस को ही है, अगर वो रिवाइव कर पाए अपने आप को तब। लेकिन सवाल ये होता है कि दो सीटें तो श्योर है, उसके पीछे रीजन ये है कि अमेठी और आपका रायबरेली, उसके पीछे रीजन ये है कि लोकसभा चुनाव में कोई भी जीते लेकिन भारतीय जो मतदाता होता है उसका लगाव, ये दो नेता वहां से हमेशा जीतते रहते हैं, तो वो लोक लाज के कारण वहां का मतदाता उनको देता है कि भाई हमारे नेता यही है, पॉलिटिक्स विद इन पॉलिटिक्स का ये कॉन्सेप्ट है, बाहर किसी की भी सरकार बने उस सीट पे ये जीतेंगे। बाकी के सीटों पे अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई बहुत स्कोप, स्पेशली यूपी से मुझे नहीं लगता है। कुछ ऐसे ही 2-4 सीटें अगर कहीं से ये आ जाए, गठबंधन वगैरह के सहारे कहीं जीत जाए, या कुछ ऐसा नेचुरल बेनिफिट मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज मुझे कोई बहुत स्कोप। देखिए कांग्रेस के कोई लीडर भी यूपी नहीं जा रहे हैं, आप नेशनल लेवल से लेकर के देख लीजिए। अच्छा, गठबंधन होता है सर सपा बसपा में, ये तो अपने आप को भी उस गठबंधन में शामिल कर रहे हैं, क्या लगता है अगर गठबंधन होता है, महागठबंधन यूपी में अगर होता है तो लोकसभा में कितनी सीटें आ सकती हैं इनको? नहीं देखिए, अगर सपा बसपा का देखा जाए तो डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचेगा, और इसमें अभी थोड़ा सा देखिए टाइम है, रणनीति किसकी क्या होती है, कौन कैसे अटैक करता है, डिफेंस करता है इस चीज पे, क्योंकि यहाँ तो एक दिन में भी वोटरों का जो मन होता है, डिसीजन होता है, वो बदल जाता है। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि यहाँ जहाँ ये 82-83 सीटों का गेम होता है, यहाँ पे जो है बीजेपी को आप ये समझ लीजिए कि लगभग अगर आप समझेंगे, जैसे पिछली बार शायद इनका 73 सीटें आई थी ना, तो 101% अगर ये देखा जाए तो इनको 20-25 सीटों का, यानी काफी डिसीजिव वे में देखा जाए तो 25-30 सीटों का इनका नुकसान होना जो है लाजमी है। उसके पीछे एक रीजन है, रीजन ये है कि इनका जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और बसपा का, ये अभी जैसे मुजफ्फर जी बोल रहे थे भले ही कुछ हो, लेकिन मैं बोलता हूं कि ये जातिगत जो कॉन्सेप्ट है वही प्रिंसिपल यहां पे काम कर रहा है, और ये बहुत स्ट्रांग होगा, एक्सेप्ट 2-3 चैलेंजेस अगर ये मैनेज कर ले, जो मैंने बोला कि आधे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, तो वो जो एस्टेब्लिश्ड नेता हैं सपा और बसपा के, वो कहाँ जाएंगे? अगर वो बीजेपी के साथ हो लिए, या उन्होंने दगा कर दिया, धोखा दे दिया, तो यहाँ पे गेम चेंज हो सकता है। तो इन सब चीजों को अगर ये मैनेज कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो बीजेपी को अच्छा खासा डेंट पहुंचेगा। उसके पीछे एक रीजन और ये भी है कि देखिए, एक नेचुरल वियर एंड टीयर होता है, 5 साल में नेचुरल ग्लैमर अट्रैक्शन जो होता है वो किसी भी पार्टी का हो खत्म होता है। हाँ, तो ये बीजेपी के साथ भी हुआ है, जो इनका एक लहर थी उस वक्त जो मोदी की थी उसमें डेफिनेटली हुए, कि हर पार्टी के साथ होता है, हर फेमस आदमी के साथ होता है, उसमें गिरावट आई है, क्योंकि सारे वादों को कोई भी सरकार पूरा नहीं कर सकती है। भारत एक बहुत कॉम्प्लेक्स देश है, बहुत बड़ा देश है, हर कसौटी पे कोई भी पार्टी कभी भी खरा नहीं उतर सकती है। दूसरा रीजन ये है कि पब्लिक भी एक जो मोनोटोनस स्वाद होता है, टेस्ट होता है, उसको चेंज करना चाहती है। 5 साल में देखिए, अभी जैसे राजस्थान का इलेक्शन हुआ, खुद बीजेपी वाले बोल रहे थे भाई वहां एंटी इनकम्बेंसी होती है, वहां का नियम है कि प्रक्रिया है कि 5 साल के बाद जो है सरकार चेंज हो जाती है।
तो ये सर माहौल देख के माना जाए कि पब्लिक अपना टेस्ट इस बार बदलने वाली है। ये जबरदस्त एक फैक्टर होता है वोटर साइकोलॉजी की, अगर आप देखेंगे, देखिए ये कॉमन घर में भी होता है, हर आदमी एक ही चीज से ऊब जाता है, अट्रैक्शन को, पॉलिटिकल पार्टी और वोटर के बीच के बॉन्डिंग को मेंटेन रखना 5 साल तक बड़ा मुश्किल होता है, वो नेचुरल हवास होता है, नेचुरल वे में वो डिग्रेड होता है। ये चीज बीजेपी के साथ हो रही है, कोई और पार्टी होती तो उसके साथ भी होती। तो एक तो ये नेचुरल वियर एंड टियर के कारण बीजेपी को नुकसान होगा, उसके बाद जो ये समीकरण बन रहे हैं बिगड़ रहे हैं, और तीसरा फैक्टर होगा कि सारी पार्टियों का एजेंडा क्या होगा और वो एजेंडा कितना इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। ये तीन फैक्टर देखने के बाद क्लियरली ये बताया जा सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी टाइम है, बहुत न्यूनेटल लेवल पे ये इन लिम्बो है, जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, चेंज हो रहा है, इन लिम्बो यानी कि इन प्रोसेस है ये। थोड़ा सा वेट करिए, कुछ दिनों के बाद ये क्लियर हो जाएगा। सारी पार्टियों के लोगों को जरा आने दीजिए सामने, खुल के क्या बोल रहे हैं, क्या एजेंडा बना रहे हैं, क्या इनकी ऑफरिंग है, वो देखने के बाद ये पता चल जाएगा, बड़े आराम से पता चल जाएगा कि कौन कितनी सीटें ले जाएगा।